हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना फूडी चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मटर मशरूम की रेसिपी, जो कि बनाने बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने बहुत बार बनाया होगा, बट लेकिन इस बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं मटर मशरूम की रेसिपी। तो यहाँ पे हमने लिया है मशरूम, उसको हमने गर्म पानी में धुलाया थोड़ा था, गर्म पानी में इसको थोड़ा देर के लिए रख दिया था, इसलिए थोड़ा कलर चेंज हो गया। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इसको फिर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। आप जैसे चाहें वैसे टुकड़ों में काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है टमाटर, दो टमाटर लिए हैं जिसको कि हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पे प्याज है लिया, इसको भी हमने बड़े टुकड़ों में काट लिया, रफली हमने चॉप कर लिया है। और ये हैं दो मिर्ची और अदरक लहसुन। अब हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने पैन को गैस पर रख दिया था। अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच सरसों का तेल, हमने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब जो हमने काट के रखा था प्याज, उसको हम डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा जैसे ही गलने लगेगा, थोड़ा सा ही जैसे पक जाएगा, तो हम तुरंत उसमें डालेंगे टमाटर। और ये अदरक लहसुन भी ऐसे ही हम डाल देंगे, और मिर्ची को भी डाल देंगे, और थोड़ा सा इसको चला के हम इसे ढक के थोड़ा देर के लिए पकाएंगे। उसके पहले हम इसमें डालेंगे तो आधा चम्मच नमक, अब इसे हम थोड़ा देर के लिए ढक देते हैं। तो देखिए हम ये हो चुका है, देखिए सारा इसका कच्चापन, प्याज टमाटर का और लहसुन अदरक जो भी था, सारा सबका कच्चापन जो है ख़त्म हो गया है। तो ये थोड़ा पक गया है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं हमें पकाना है। अब इसे हमने एक मिक्सर जार में निकाल लिया है, इसे हम पेस्ट इसका बना लेंगे। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना के हमने रेडी कर लिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया, कितना प्यारा कलर आया हमारे इस पेस्ट का। देखिए आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलिए इसका हम शुरू करते हैं बनाना। देखिए बिल्कुल स्मूथ है ना ये। अगर आप इसमें बड़े बड़े टुकड़े हैं तो आप इसको एक बार स्टेनर से छान भी सकते हैं। तो ये चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे उसी पैन को, इसमें हमने दोबारा से तेल डाल के रख दिया है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। हमने तेजपत्ता और जीरा, लौंग, इलायची लिया था। हमने प्याज को बहुत ही बारीक काट लिया है, आप चाहे तो इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं। हमें तो अब इसमें जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था उसको हम ऐड कर देंगे। डाल के हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। इसको भी अभी थोड़ी देर में धीरे धीरे इसका भी कलर चेंज होने लगेगा। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। हमने यहाँ पे लिया है एक चम्मच भर के गरम मसाला और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर। डाल के इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। थोड़ी देर में ये थोड़ा तेल छोड़ने लगेगा जब ये पक जाएगा। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। याद रखिएगा, हमने जब पेस्ट बनाने से पहले उसमें भी हमने आधा चम्मच नमक डाला था, तो नमक आप स्वाद अनुसार ही डालिएगा, ज़्यादा नमक मत डालिएगा। तो देखिए हमारा पेस्ट, देखिए थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगा है, आप देख सकते हैं। देखिए बस ये एकदम बिल्कुल पक चुका है, रेडी हो गया है। देखिए इसका कलर भी काफी चेंज हो चुका है पहले और अब में, आप डिफरेंट देख सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मटर। अब डालेंगे हम मशरूम जो कटा हुआ था। तो अब इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे, अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी, गरम पानी ही डालिएगा, हमने गरम करके पानी को रखा था पहले से ही।
तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इसे थोड़ा देर ढक के, जब तक मशरूम और मटर अच्छी तरह से पक नहीं जाते तब तक थोड़ा हमें ढक के इसे पकाना है थोड़ी देर तक, कम से कम 10 से 15 मिनट तक तो पकाना ही होगा। धीमी आंच, धीमी एकदम बिल्कुल धीमी फ्लेम पे हम पकाएंगे। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा मटर भी हो चुका है, मशरूम भी हो चुका है। तो अब इसमें धनिया पत्ती, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल के थोड़ा सा चलाएंगे। अब गर्मा गर्म इसे हम सर्व करेंगे। तो ये हमारा मटर मशरूम के बन के रेडी हो गया। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए ना टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट टेस्ट है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा।